मेरठ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। बिना भेदभाव के गांव हो या शहर, प्रदेश का कोई भी जनपद हो, प्रत्येक जनपद में विद्युत की आपूर्ति अनवरत जहां एक ओर प्रत्येक जनपद और गांव में की जा रही है, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो, आपकी आस्था का सम्मान हो, चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा को कुशलतापूर्वक संपन्न करने का मामला हो या फिर प्रयागराज कुंभ की कुशलतापूर्वक निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करने का मामला हो। पिछली सरकारें आपकी आस्था पर कुठाराघात करती थी, आपको कांवड़ यात्रा नहीं करने देती थी, माँ बहनों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य होता था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा को पूरी दृढ़ता के साथ तीन स्ट्राइक के माध्यम से, दो सर्जिकल स्ट्राइक और एक एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ करके आतंकवाद का समूल नाश पूरे दुनिया के अंदर भारत की सामरिक ताकत का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर अपराधी सिर चढ़ करके बोलता था, अवैध बूचड़खानों में यहां के लोगों के गाय भैंस बैल बछड़े इन सब को अनैतिक और अवैध तरीके से काटने का कार्य किया जाता था, पहले ही आने के तत्काल बाद किसानों की कर्ज माफी के बाद अवैध बूचड़खानों को रोकने और अपराधियों के खिलाफ जो सख्ती की कार्रवाई की गई, आज हम कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में है या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए दूसरा कोई सहारा नहीं बचा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अभी आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के माध्यम से पहले भी सरकारें थी, हिम्मत नहीं करती थी। याद करिए पुलवामा की घटना के उन शहीदों की शहादत को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले ही दिन कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और आपने देखा होगा दसवें दिन एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में सभी आतंकी शिविरों को नष्ट करके भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनाने का कार्य हुआ था। भारत इसी प्रकार का दृढ़ इच्छा शक्ति का यशस्वी नेतृत्व चाहता है। भारत का सम्मान आज दुनिया के अंदर बढ़ा है। पूरा भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के नए दौर में गया है। एक नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम जब एक नए दौर की ओर चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से 2019 का लोकसभा का ये चुनाव हम सबको एक बार पुनः बिना भेदभाव के, भारतीय जनता पार्टी ने आपके अनुसार प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना है।